जिले के जयनगर से खबर सामने आ रही है, जहां जयनगर एसडीएम बेबी कुमारी के द्वारा अवैध खनन का बालू लदा हुआ ट्रैक्टर समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि एसडीएम बेबी कुमारी ने बताया कि शनिवार की शाम मैट्रिक परीक्षा के केंद्रों के निरीक्षण के क्रम में बस्ती पंचायत स्थित रेलवे गुमती के समीप एक ट्रैक्टर पर कमला नदी का बालू लदा हुआ पाया गया। वहीं बालू लदे हुए ट्रैक्टर को लेकर चालक से पूछताछ की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से सही जानकारी नहीं दे सका, जिसके कारण उसे उसी वक्त बालू लदा हुआ ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को भी हिरासत में ले लिया गया। हालांकि मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को दे दी गई है, जिसके बाद जब्त बालू लदा हुआ ट्रैक्टर समेत ट्रैक्टर के चालक को गिरफ्तार कर पुलिस आगे कार्रवाई हेतु थाने ले गई है। सूचना पाकर खनन पदाधिकारी विजय प्रसाद सिंह शनिवार की रात थाना पहुंचकर जब्त अवैध बालू खनन मामले को लेकर खनन पदाधिकारी के द्वारा बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं गिरफ्तार ट्रैक्टर चालक की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के कुआड़ गांव निवासी राकेश यादव के रूप में की गई है। इस कार्रवाई से अवैध बालू खनन को लेकर पुनः हड़कंप मच गया है। मालूम हो कि इससे पूर्व भी कुछ महीने पूर्व एसडीएम बेबी कुमारी के द्वारा कमला नदी में छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 वाहनों को अवैध खनन के आरोप में जब्त किया गया था। बेबी कुमारी ने कहा कि अवैध बालू खनन को लेकर पुनः अभियान के तहत छापेमारी और कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुबनी से मनीष कुमार की रिपोर्ट।